डियर स्टूडेंट्स टूडे वी विल डिस्कस अबाउट बायो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्पेशली द टॉपिक दैट इज रोल ऑफ मेटल आयन्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में और स्पेशली उसमें हम डिस्कस करेंगे कि मेटल आयन्स का क्या रोल होता है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में बायोलॉजिकल सिस्टम्स मींस सिस्टम्स जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करेगी तो वहां पर मेटल आइन्स का क्या रोल है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी वट इज बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या तो ये क्या है एक्चुअली इट इज इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज रिलेटेड टू द रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल्स ये क्या बताएगी हमें केमिस्ट्री हमें बताएगी रिलेशनशिप किनके बीच में बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल्स अब ये इनऑर्गेनिक मटीरियल्स किस तरीके के होंगे जैसे अभी हम डिस्कस करने वाले मेटल आयन्स के बारे में जो इनऑर्गेनिक मटीरियल मेटल आयन्स कैसे वो आयंस और समटाइम्स नॉन मेटल्स हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और किस तरीके से वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से को रिलेटेड है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है ऑक्सीजन ट्रांसफर है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है तो यहां पर क्या रोल होगा इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का तो इसको हम कहते हैं बायो केमिस्ट्री तो ये जो ब्रांच है केमिस्ट्री की ये क्या एक्सप्लेन करती है इट एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ मेटल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स इन फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस तो बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में इनका मेटल्स का यानी ट्रेस एलिमेंट एंड ट्रेस एलिमेंट्स का या फिर हम कह सकते हैं जो पीरियोटिक टेबल्स में कुछ एलिमेंट्स हैं उनका क्या स्पेशल महत्व है उसके बारे में बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें बताती है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर यूज इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स तो हम एसेंशियल एलिमेंट्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं एंड नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं अभी हम देखेंगे एसेंशियल का मतलब क्या है और नॉन uh, एसेंशियल का मतलब क्या है वो भी हम अभी देखेंगे एसेंशियल नाम से ही पता चल रहा है जो बहुत जरूरी है लाइफ के लिए वो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, और जो बहुत जरूरी नहीं है दे आर नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स को फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है इन इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं बल्क एलिमेंट्स मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस और माइक्रो एलिमेंट्स जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बल्क के एलिमेंट्स हैं जिनका यूज use... बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में होगा जैसे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस सल्फर ये क्या है ये चार अगर आप देखेंगे तो ये तो बेसिक यूनिट है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स प्रोटीन वो इनके ही बने रहते हैं इसके अलावा फॉस्फोरस जो है वो कई एनर्जेटिक जो इनऑर्गेनिकॉस्फोरस फॉस्फोरस की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है सल्फर भी जो है वो बहुत स्पेशली प्रेजेंट रहता है बायोलॉजिकल सिस्टम में तो ये ऐसे बल्क एलिमेंट्स हैं जो कि बल्क में हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स में प्रेजेंट रहते और इनकी जरूरत होती है बहुत ज्यादा जरूरत होती है फिर मैक्रो मिनरल्स या मैक्रो एलिमेंट्स को अगर हम देखेंगे तो बल्क से थोड़ा कम कंसेंट्रेशन उनकी जरूरत होती है पर उनकी जरूरत भी आ, कितनी होती है देखिए लगभग हंड्रेड एम पर डे बाई एन एडल्ट ह्यूमन इससे ज्यादा इसकी जरूरत होती है ह्यूमन के बायोलॉजिकल सिस्टम्स में और ये कौन से एलिमेंट्स हैं सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम एंड क्लोराइड ये मेन ऐसे एलिमेंट्स हैं और तीसरी कैटेगरी अगर हम देखेंगे ट्रेस एलिमेंट्स इनको हम माइक्रो एलिमेंट्स भी कहते हैं क्यों कह रहे हैं माइक्रो क्योंकि इनकी जो अमाउंट है वो बहुत कम इनकी जरूरत पड़ती है और वो लेस देन हंड्रेड एमजी पर डे इनकी जरूरत पड़ती है और ये देखिए आप कैटेगराइज किया है हमने ये जो पहला जो पहला और दूसरा जो रो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स आयरन जिंक कॉपर मैगनीज मोलिबेनम कोबोल्ट क्रोमियम निकल वेनेडियम कैडमियम ये ऐसे एलिमेंट हैं जो ट्रेसेस में जरूरत होती है जिनकी फिर अगर देखेंगे टिन लेड एंड लिथियम ये ऐसे एलिमेंट हैं जो एस और आ, आ, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनकी जरूरत ट्रेस में होती है और फिर आप देखेंगे ये नॉन मेटल्स हैं फ्लोरिन आइडीन सिली, सिलीनियम सिलीकोन आर्सेनिक बोरोन ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी जरूरत माइक्रो एलिमेंट्स की तरह होती है ये नॉन मेटल्स है okay? तो ये टोटल हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं और ये जो बल्क एलिमेंट माइक्रोमेटल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से बल्क एलिमेंट्स अगर हम देखें तो ये बेसिक Uh, जो स्ट्रक्चर है जो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज है जैसे देन uh, प्रोटीन uh, है लिपिड है उनके मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं तो हम जो मैक्सिमम जो पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में वो हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मेटल आइंस का क्या रोल है क्योंकि यहाँ इनका रोल तो मेजर है ये तो बहुत परसेंटेज इनकी यहां रहेगी लेकिन ये ये यूनिट बना देते हैं बस कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें ये मिलेगा आपको अगर प्रोटीन है तो उसमें नाइट्रोजन भी मिलेगा तो ये बेसिक ब्लॉक बिल्डिंग ब्लॉक एक तरीके से कह सकते हैं लेकिन ये जो मेटल आयंस हैं, इनका यूज आप देखेंगे ये एंजाइमेटिक सिस्टम के पार्ट होते हैं और कई सारे जैसे एसिड बेस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करना ये इनके काम है तो यहां पर जो हम पढ़ेंगे वो मैक्रो मिनरल्स और ट्रेस एंड माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब ये देखिए एसेंशियल एलिमेंट्स तो ये मैंने आपसे कहा था कि ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं एक्चुअली दे आर रिक्वायर्ड और नीडेड इन ह्यूमन डाइट टू मेंटेन द लाइफ तो ये क्या है ये जरूरी है ह्यूमन डाइट में लेने के लिए ताकि लाइफ जो है वो मेंटेन्ड रहे कोई डिजीज ना आए उसके लिए ये जरूरी है इसलिए तो इनको एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं एंड लैक ऑफ दीज एलिमेंट्स कॉजेस वेरियस डिजीजेज एंड इवन समाइम्स इट रिजल्ट इन द डेथ तो अगर इनकी कमी होगी एसेंशियल एलिमेंट क्यों जरूरी है क्योंकि अगर एसेंशियल एलिमेंट्स की कमी होगी तो क्या होगा देखिए इनकी कमी से डेथ हो सकती है या कुछ डिजीजे हो सकती है इसलिए ये असेंशियल एलिमेंट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ यू सी द नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स देन इन केस ऑफ नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स यू विल फाइन दे आर नॉट नीडेड एज दे डू नॉट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द बायोलॉजिकल सिस्टम नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स जो है वो जरूरत उनकी नहीं होती है क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में उनकी बहुत इम्पोर्टेंस नहीं होती है तो एसेंशियल एलिमेंट्स हम यहां पर पढ़ेंगे एसेंशियल में भी हम किन के बारे में पढ़ने वाले हैं मैक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रोल ऑफ माइक्रो एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स और इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एस ब्लॉक की मेटल्स पहले पढ़ेंगे बहुत इम्पोर्टेंट है माइक्रो एलिमेंट्स और इसमें जो मेटल आइन्स हैं सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम उनके बारे में हम डिटेल थोड़ी स्टडी करेंगे कि वो किस तरीके से दे आर इम्पोर्टेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स तो अगर हम सोडियम को देखें सोडियम आयन देखिये इट इज अ मेजर कम्पोनेट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूड तो स्पेशली ये डिजाइन किया है थोड़ा सा मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए भी अगर वो इंटरेस्ट इसमें उनको लेना चाहिए क्योंकि ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम की स्टडी हम बात कर रहे हैं तो ये देखिए यहां पर मैंने ये कुछ इस तरीके से दिखाए सेल्स हैं है. कोई किसी ऑर्गन के सेल हैं और यहां पर क्या होगा सेल जो है ये एक फ्लूड में होंगे ये जो फ्लूड में होंगे ये सेल के बाहर का फ्लूड है इसको हम क्या कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड कहते हैं ये जो सेल जिसमें तैर रही है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है और ये सेल है ये सेल्स से हैं। पर्टिकुलर ऑर्गन की सेल्स हो सकती हैं इस सेल में देखिए न्यूक्लियस दिखाया रेड से और जो ग्रीन कलर के डॉट हैं ये इंट्रा सेलुलर फ्लूड है तो सेल के अंदर जो फ्लूड है वो इंट्रा सेलुलर क्योंकि वो सेल के अंदर है और जो सेल के बाहर जो फ्लूड है जो रेड डॉट से दिखाया है ये फ्लूड क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड तो मैंने ये कहा जो सोडियम है सोडियम क्या है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड का मेजर कंपोनेंट है तो ये बाहर ज्यादा मिलेगा ठीक है ये अंदर कम मिलेगा सेल के अंदर कम होगा और बाहर अधिक होगा ये बात ध्यान देनी होगी इसका काम क्या है देखिए ये क्या करता है इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी फ्लूड ये बॉडी फ्लूड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखता है और देखिए इसके क्या काम करता है इट रेगुलेट्स एसिड बेस इक्वलीबिलियम ये क्या करता है एसिड बेस इक्वलीबिलियम को रेगुलेट करता है ताकि एसिड और बेस जो हमारी बॉडी में जो बनते रहते हैं वो इक्वलीबिलियम बन रहे उनका इक्वलीबिलियम डिस्टर्ब ना हो इट आल्सो कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ नर्व एंड मसल सेल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो सोडियम का है वो नर्व इंपल्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है एंड ऑल्सो इट कंट्रोल्स मस्क्यूलर सेल्स इम्पोर्टेंट टाइप है अगर हम इसकी डेफिशिएंसी देखें तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है हाइपो नेट्रीमिया क्या हो सकता है इसकी डेफिशिएंसी से कॉमा में जा सकते हैं या डेथ हो सकती है क्योंकि ये किसको कंट्रोल कर रहा है नर्व इंपल्स को कंट्रोल कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके शरीर में सोडियम की कमी होगी वो कौमा में भी जा सकता है और इवन डेथ हो सकती है और एक्सेस अगर होगा तो इट डिस्टर्ब्स वाटर बैलेंस तो ये चाहे डेफिशिएंसी हो चाहे एक्सेस ये दोनों ही खराब है किसी भी चीज का ज्यादा होना या कम होना परेशान करता है ऐसी बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर सोडियम का अमाउंट अधिक होगा तो क्या हो जाएगा वाटर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा अगर कम हो गया तो क्योंकि नर्वस बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा एसिड बेस इक्वलीबिलियम बिगड़ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर बिगड़ जाएगा इसलिए इट इस शुड बी मेंटेन इट्स कंसंट्रेशन शुड बी मेंटेन्ड जो दूसरा मेजर मेटल आयन है वो है पोटेशियम पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट एक मेटल आयन है विच इज अ मैक्रो एलिमेंट एंड इट इज प्रेजेंट बोथ इन इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्रूड दोनों में ही प्रेजेंट रहता है एक्चुअली सोडियम भी दोनों जगह प्रेजेंट रहता है लेकिन सोडियम एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्रूड में ज्यादा होता है और इंट्रा सेलुलर में कम होता है ऐसे ही पोटेशियम जो है वो इंट्रा सेलुलर फलूड में ज्यादा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रूड में कम होता है तो ये जो इक्विली है इट शुड बी मेंटेन्ड ये जो पोटेशियम है इट ऑल्सो मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर इट ऑल्सो कंट्रोल्स एसिड बेस इक्वलबिलियम तो अगर आप देखेंगे तो ये काम कॉमन है इनके ये जो सोडियम एंड पोटेशियम है एक तो सोडियम इज मोर प्रेजेंट मोर इन द दस्ट्रासेलर फूड पोटेशियम इंट्रा सेल्युलर फूड में ज्यादा होता है दोनों ही ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं दोनों ही एसिड बेस के इक्वलिबिलियम को मेंटेन करते हैं जो पोटेशियम का मेन काम है वो क्या है देखिए पोटेशियम क्या करता है इट हेल्प्स इन द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स एक तो नंबर वन पॉइंट ये बायोसिंथेटिक बायोसिंथेटिकसिस करता है राइबोसोम्स की और मेंटेन्स ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है ये दो ऐसे काम हैं जो डिफरेंट हैं फ्रॉम देट ऑफ दी सोडियम आयन सोडियम आयन स्पेशली नर्व इम्पल्स के लिए इम्पोर्टेंट है और यह बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स करता है अगर पोटेशियम की डेफिशिय होगी तो क्या होगा थकान लगेगी फैटीग होगी रेगुलर हार्ट बीट होगी वीकनेस आएगी और अगर पोटेशियम की एक्सेस हो गई तो क्या हो सकता है हार्ट अटैक हो सकता है क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है तो यानी आप समझ गए होंगे कि इनकी जो कंसंट्रेशन है इट शुड बी मेंटेन्ड जो कंसंट्रेशन है वो क्या होना चाहिए मेंटेन्ड होनी चाहिए तभी हमारे शरीर में जो जो डिजीज है जैसे रिलेटेड टू हार्ट है और जो रिलेटेड टू नर्व इम्पल्स है वो क्या होंगी कम होगी इसलिए द पोटेशियम एंड सोडियम बैलेंस शुड बी मेंटेन्ड अब अगर इन आयंस के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें कि ये कैसे हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट होते हैं क्योंकि ये मेटल आयंस हैं मेटल्स मेटल, मेटल आयंस दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर इनका नेचर कैसा होता है हाइड्रोफिलिक होता है जबकि जो हमारी स्किन होती है हमारी स्किन कैसी होती है हाइड्रोफोबिक होती है नेचर में क्यों क्योंकि हमारी स्किन किससे बनी हुई होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन से तो लिपिड एंड प्रोटीन कैसे हैं दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर और ये आयंस क्या है ये हाइड्रोफिलिक है तो कैसे ये हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन इनका होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो ट्रांसपोर्टेशन की जो मैकेनिज्म है वो मेन दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं ये आयन्स हमारे सिस्टम में एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट जैसे नाम से ही पता चल रहा है पैसिव कोई बाहर से एनर्जी की जरूरत नहीं है आराम से ट्रांसपोर्ट हो सकता है लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट transport मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए इट रिक्वायर्स सम एनर्जी एक्टिव का मतलब है इट रिक्वायर्स सम एनर्जी सो हाउ इट रिक्वायर्स एनर्जी आप देखेंगे कि अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा तो मूवमेंट ऑफ आयंस टेक्स प्लेस विद द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट स्वयं ही क्या होगा इट सेल्फ हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर आयंस विल मूव तो ये कहलाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट नो एनर्जी सोर्स इज रिक्वायर्ड कोई भी एनर्जी सोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता यहां पर और ये किस फॉर्म में हो सकते हैं आयनोफोर्स और आयन चैनल्स की फॉर्म में ये ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा मूवमेंट ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मूवमेंट है आयन्स का वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा मतलब लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगा आयन्स का तो जब लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की ओर होगा मूवमेंट तो इट रिक्वायर एनर्जी सोर्स और वो एनर्जी सोर्स कहां से आएगा थ्रो एटीपी टीपी एंड ये जनरली इसका एग्जाम्पल क्या है आयन पंप आई विल गिव यू द एग्जाम्पल्स यू कैन अंडरस्टैंड इजीली आप आसानी से समझ जाएंगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है तो कितना इंटरेस्टिंग है देखिए हमारे बायोसिस्टम की जो जो फिजियोलॉजी है जो उसकी बायोकेमिस्ट्री है वो कितनी इंटरेस्टिंग है कि आयंस बहुत जरूरी है आयंस जरूरी तो है लेकिन हाउ दे कैन ट्रांसपोर्ट इन दी हाइड्रोफोबिक मेम्बर कैसे वो ट्रांसपोर्ट होंगे कैसे वो नर्व इम्पल्स को जनरेट करते होंगे तो इसके लिए दो तरीके के ट्रांसपोर्ट है एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट रिक्वायर्स एनर्जी क्योंकि जो मूवमेंट ऑफ आयस से टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन तो आराम से हो जाएगा तो यहां पर कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी अब देखिए कैसे ट्रांसपोर्ट होता है आइनो फोर्स क्या होते हैं आइनो फोर्स क्या होते हैं दे आर जनरली कैरियर मोलिक्यूल्स एंड दे वेब अराउंड एनए प्लस एंड के प्लस एक तरीके से सोचिए जैसे हम सिंपल अगर आपको बताऊं तो जैसे हम आ, मूंगफली खरीदते हैं उसको एक पुड़िया में देते हैं वो मूंगफली को तो वो उसके चारों ओर क्या होता है कागज उसके चारों ओर लपेट डर जाता है ऐसे ही क्या होगा कि ये जो आयनोफोर्स दे आर कैरियर मॉलिक्यूल्स और वो कैरियर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं सोडियम और पोटेशियम को चारों ओर से ऐसे उसको रैप कर लेंगे और बीच में क्या होगा ये ये है और इसके बीच में क्या आ गया ये आयन है सोडियम और पोटेशियम ठीक है और ये चारों ओर से क्या हो गया इसके कैरियर मॉलिक्यूल अब ये कैरियर मॉलिक्यूल कैसा होगा हाइड्रोफोबिक होगा और यह कैसा है हाइड्रोफिलिक ठीक है तो यह हाइड्रोफोबिक होने की वजह से यह आराम से लिपिड लेयर और प्रोटीन लेयर के आर पार चला जाएगा और जैसे ही आर पार जाएगा तो ये जो है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर सोडियम आयंस आराम से क्या कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट उनका हो सकता है सो दिस आइनोफोर देन इफ यू टॉक अबाउट द आयन चैनल्स तो आयन चैनल्स क्या होते हैं एक्चुअली ये क्या होते हैं ये मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन्स में होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं और वो एक्रॉस द मेम्ब्रेन ऐसे पाथ बन जाएंगे वो हाइड्रोफोबिक पाथ से होता हुआ क्या होगा वो आयन्स क्या होंगे आराम से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं तो आयन चैनल में भी क्या होगा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर आय का ट्रांसपोर्ट होगा फिर तीसरे तरीके का जो आप देखेंगे जो तीसरे तरीके के जो ट्रांसपोर्ट होगा वो थ्रू आयन पंप्स आयन पंप्स क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स यूज एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टिंग आयन्स इन वन डायरेक्शन एंड दैट इज फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन वी विल अंडरस्टैंड हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड डायग्राम्स आई विल शो यू हाउ आइनोफोर्स एक्ट तो यहां पर मैं आपको सोडियम पोटेशियम आइनोफोर्स के बारे में बता रही हूँ आइनोफोर्स एक्चुअली रिवर्सिबली बाइंड विद द आयन्स ये क्या होते हैं आइनोफोर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में और ये आयन्स के साथ इरिवर्सिबली बाउंड होते हैं जनरली ये क्या होते हैं माइक्रोसाइक्लिकिगेंट्स होते हैं जैसे क्राउन इथर्स है क्रिप्टेंस है सिंथेटिक आइनोफोर्स भी होते हैं ये सिंथेटिक आइनोफोर्स है इसके अलावा इसके अलावा भी कुछ ऐसे नेचुरल uh, एंटीबायोटिक्स हैं जो कि आइनोफोर्स की तरह एक्ट करती हैं फॉर एग्जांपल वेलिनोमाइसिन इट कैन इजीली ट्रांसपोर्ट के प्लस ये के प्लस को आसानी से क्या कर सकता है मेम्ब्रेन के आर पार ले जा सकता है तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किस तरीके से आइनोफोर्स काम करते हैं अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या है सेल मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है ये देखिए आयनोफोर ये आयनोफोर जो है वो हाइड्रोफोबिक होगा नेचर का ये भी हाइड्रोफोबिक है नेचर में जो मेम्ब्रेन है और ये भी हाइड्रोफोबिक है ये आयन जो है वो देखिए इस आयन को ये अपने अंदर ट्रैप कर लेगा अब ये हाइड्रोफोबिक होने की वजह से ये आराम से आर पार हो सकता है इस इस हाइड्रोफोबिक आइनोफोर में क्या होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर एटम्स होंगे जो कि इस मेटल आयन को अटैच कर लेंगे अब देखिए ये आर पार जा रहा है इसके अंदर जो है इस आइनोफोर के अंदर ये आयन आ गया और ये जो हाइड्रोफोबिक है ये इस सेल मेम्ब्रेन से देखिए पार हो गया यहां से यहां आ गया और यहां आकर इसने इस आयन को क्या कर दिया छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि यहां ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन कैन टेक्स प्लेस थ्रू आयनो फोर्स और ये समझ लीजिए कि यहां पर अगर इस आयन का कंसेंट्रेशन अधिक है और यहां कम है तो वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर विदाउट एनी एनर्जी ये क्या कर सकता है इसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है दूसरा जो एग्जाम्पल दे रही हूं मैं वो है देखिए आयन चैनल्स का यहां पर भी जो एग्जाम्पल है वो सोडियम पोटेशियम आयन चैनल्स का है यहां पर देखिए कुछ क्या होते हैं मेमब्रेन में स्पेशलाइज चैनल होते हैं जो पर्टिकुलर आयन के लिए होंगे वो दूसरे आयन के लिए नहीं होगा एक चैनल जैसे दरवाजे होते हैं घर में इसी तरीके से यहां पर क्या होगा डिफरेंट चैनल्स होंगे लेकिन ये दरवाजे सबके लिए नहीं होंगे ये एक आयन के लिए सोडियम आयन के लिए एक पर्टिकुलर दरवाजा होगा एक पर्टिकुलर चैनल होगा और पोटेशियम आयन के लिए एक पर्टिकुलर चैनल होगा फॉर एग्जाम्पल बसेस के लिए रोड होती हैं और ट्रेन के लिए क्या होती है ट्रैक होता है रेलवे ट्रैक तो इसी तरीके से सोडियम के लिए अलग ट्रैक है और पोटेशियम के लिए अलग ट्रैक है तो ये स्पेशलाइज चैनल होते हैं जो कि किसके बने होते हैं दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल तो उनकी जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है हाइड्रोफोबिक होती है जो इनर लेयर होगी क्या होगी हाइड्रोफिलिक तो हाइड्रोफोबिक जो लेयर होगी वो तो मेम्ब्रेन में होगी साइड होगी और जो हाइड्रोफिलिक लेयर होगी वो कहा होगी जिस साइड से आयन को मूव करना है और जो पोर साइज है वो भी इनका इम्पोर्टेंट होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कि ये एक एग्जाम्पल लिया है किसका ग्रेमिडीन का ग्रेमिसिडीन जो है वो किसके लिए सुटेबल होता है वो चैनल केवल पोटेशियम के लिए सुटेबल होता है तो अब इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको दिखा रही हूं कि कैसे हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर को ये ट्रांसपोर्ट होगा आयंस का थ्रो आयन चैनल अब देखिए जो रेड कलर का ये चैनल दिखाया है ये केवल सोडियम आइन्स के lotta, लिए चैनल है और जो ब्लू कलर का जो चैनल दिखाया है वो केवल पोटेशियम के लिए चैनल है तो ये देखिए यहां देखिए आप ये इंट्रा सेलर फ्रूड है और ये एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्रूड है तो यहां पर ये सोडियम आयन अधिक है तो ये अधिक कंसेंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर आ रही तो है यहां देखिए केवल दो आयन है यहां पर बहुत सारे आयन है ऐसे आप देखेंगे यहां देखिए पोटेशियम तो बहुत कम है और यहां पर जो है वो पोटेशियम बहुत ज्यादा है ठीक है ये इंट्रा सेलुलर है या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है इंट्रा में पोटेशियम ज्यादा है और एक्स्ट्रा में सोडियम ज्यादा है तो आप देखिए ये स्पेशल जो चैनल है दिस इज फॉर सोडियम आयन्स तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर आ सकते हैं इसका इनर साइड हाइड्रोफिलिक है और आउटर साइड क्या है हाइड्रोफोबिक है ऐसे ये जो चैनल है इट इज पर्टिकुलर फॉर पोटेशियम क्योंकि चैनल का जो साइज होगा इट इज सुटेबल फॉर सोडियम पोटेशियम आयन्स आप देख रहे हैं हायर कंसेंट्रेशन से पोटेशियम लो कंसेंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं और ये चैनल भी अंदर की ओर से तो हाइड्रोफिलिक होगा ताकि पोटेशियम इसको को अट्रैक्ट कर सके और बाहर की ओर से ये हाइड्रोफोबिक होगा क्योंकि ये ताकि यहां फिट हो सके कहां पर जो मेम्ब्रेन है जो कि हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक हैदो, हाइड्रोफिलिक तो इस तरीके से जो ट्रांसपोर्ट होता है आयंस का वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर होता है तो ये आयन चैनल्स है जो तीसरे तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो है आयन पंप बहुत इंपॉर्टेंट है एन ए प्लस एनके प्लस का आयन पंप और ये कहां पर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है और यहां पर आप देखेंगे मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस इट टेक्स प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा यहां पर भी और मूवमेंट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेकिन एक स्पेशल क्या होगा यहां पर आयन पंप बिल्कुल डिफरेंट है और आयन चैनल्स एंड आयनो बिल्कुल डिफरेंट थे वहां पर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ मूवमेंट होता है और आयन पंप में जो मूवमेंट है इट इज अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट सो इट रिक्वायर्स एटीपी टीपी हाइड्रोलिसिस इसको किसकी जरूरत होती है एटीपी हाइड्रोलिसिस की जरूरत होती है फॉर एग्जाम्पल देखिए इसको मैं भी और आपको डिटेल uh, में बताऊंगी यहां पर देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है और ये क्या है ये आयन पंप्स है एक्चुअली दिस इज ए टी पी एच ये एन ए प्लस पोटेशियम एटीपीएज है ये इंट्रा सेलुलर फूड है जहां पर पोटेशियम ज्यादा है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फूड है जहां पर सोडियम ज्यादा है तो यहां पर आप देखेंगे कम कंसनट्रेशन से ज्यादा कंसेंट्रेशन की ओर को सोडियम मूव करते हैं और पोटेशियम कम कंसनट्रेशन से अधिक कंसेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं तो ये दिस इज अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट यहां पर आप देखेंगे कि जो आयंस का मूवमेंट है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की ओर है दिस इज अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट और जब तीन सोडियम मूव करेंगे तो दो पोटेशियम अंदर मूव करेंगे तीन सोडियम के बदले दो पोटेशियम मूव करते हैं कम कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की ओर मूवमेंट है इसलिए इट रिक्वायर्स सम एनर्जी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ट्राई फोस्फेट दिस इज दिज्म ऑफ आयन पंप अगर हम इसको देखें ये आयन पंप का मैकेनिज्म है सोडियम पोटेशियम के लिए तो ये जो ग्रीन कलर से दिखाया है, ये है एन ए सोडियम पोटेशियम ए टीपीएच ये एंजाइम है और ये एंजाइम स्पेसिफिक होता है यहां पर आप देखेंगे ये ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन क्या करेगा कन्फर्मेशनल चेंजेस करेगा इस सोडियम पोटेशियम एटीपीएच में क्या होगा सोडियम भी बाइंड हो सकता है और पोटेशियम भी बाइंड हो सकता है तीन सोडियम बाइंड हो सकते हैं और दो पोटेशियम इसमें बाइंड हो सकते हैं तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये देखिए एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड है यहां इंट्रा सेल्युलर फ्लूड है ऐसे ये यह 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 तो यह यह तो यहां पर इंट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर फूड है यहाँ पर इंट्रा सेल्युलर फ्लूड है तो ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है लिपिड प्रोटीन की बनी हुई तो देखिये यहां पर इंट्रा सेलुलर फ्लूड में सोडियम कम है ठीक है सोडियम कम है तो ये सोडियम देखिए तीन सोडियम रेड कलर से दिखाए तीन सोडियम यहां पर बाइंड हो जाएंगे देखिए कंफर्मेशन ऐसा है कि यहां पर तीन सोडियम बाइंड हो सकते हैं अब आप देखेंगे यहां पर क्योंकि कम सोडियम कम कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की ओर जाना है तो यहां पर देखिए एटीपी का क्या होगा हाइड्रोलिस होगा इसके बाद आप देख रहे हैं ये तीनों के तीनों जो सोडियम है वो यहां पर बाइंड हो चुके हैं और अब आप देख रहे हैं एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो गया है यहां पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी और आप देख रहे हैं कि एटीपी से एडीपी बन गया इंट्रा सेल्युलर में और इसके साथ ही आप देख रहे हैं ये देखिए जो सोडियम आयंस थे वो कहा वो एक्स्ट्रा सेलुलर में यहां ट्रांसफर हो गए ठीक है फिर आप देखेंगे कि ये देखिए पोटेशियम का कंसेंट्रेशन बाहर कम है और सोडियम का ज्यादा है पोटेशियम का कंसेंट्रेशन यहां अंदर ज्यादा है और सोडियम का कंसेंट्रेशन कम है अब यहां पर क्या हुआ देखिए जैसे कि ट्रांसपोर्ट हुआ यहां पर चेंजेस एज में अब देखिए दो इस तरीके की इसमें कंफर्मेशनल चेंजेस हुए कि यहां पर पोटेशियम बाइंड हो सकता है अब आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा सेलूलर फ्रूट जहां पर पोटेशियम कम था वहां से पोटेशियम बाइंड होना शुरू हो गया देखिए यहां पर कंफर्मेशनल चेंज हुए और यहां पर दोनों पोटेशियम क्या हो गए बाइंड हो गए देखिए और ये फॉस्फेट भी यहां पर रिलीज हुआ है देखिए और ये दोनों पोटेशियम बाइंड हो गए और उसके बाद ये दोनों पोटेशियम भी क्या होंगे रिलीज हो जाएंगे उसके बाद फर्दर जैसे ये रिलीज होंगे आप देखेंगे इसमें फिर से कन्फर्मेशनल चेंजेस हो गए अगेन इट कैन बाइंड नाउ थ्री सोडियम तो देखिए थ्री सोडियम बाइंड हो रहे हैं और उसकी जगह पर दो पोटेशियम बाइंड हो रहे हैं जब कन्फर्मेशनल चेंजेस हो रहे हैं तो जब दो तीन सोडियम इंट्रा सेल्युलर फ्रूट से एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्रूट में जा रहे हैं तो दो पोटेशियम एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्रूट से इंट्रा सेल्युलर फ्रूट में आ रहे हैं जब ये एक्सचेंज होता है उस समय इनके साथ कुछ मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं और ये देखिए रिएक्शन जो होती है वो ऐसी होती है कि थ्री सोडियम इनसाइड से आउटसाइड जाते हैं और दो तो पोटेशियम आउटसाइड से इनसाइड आते हैं उसी दौरान क्या होगा हाइड्रोलिस ऑफ एटीपी एंड एटीपी विल कन्वर्टेड टू एडीपी एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्पेट विल बी देयर तो ये क्या है ये यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्यों है क्योंकि इंट्रा सेलुलर फ्रूड में जो सोडियम है वो कम होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रूड में अधिक होते हैं सो दे आर ट्रांसपोर्टिंग अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसलिए ये आयन पंप है और यहां पर एटीपी की हाइड्रोलिसिस की जरूरत होगी नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बायोलॉजिकल रोल ऑफ कैल्शियम सो कैल्शियम आयंस दे आर प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ्स इन द टीथ दे आर हेल्पफुल द कैल्शियम इज हेल्पफुल इन इनमल फॉर्मेशन

इन इंट्रा सेलुलर फ्लूड कैल्शियम इज वन थाउजेंड टाइम लेस देन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड तो जो कैल्शियम है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूड में ज्यादा होता है हंड्रेड थाउजेंड टाइम्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में कम होता है इट इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग क्या है इसका फिजियोलॉजिकल रोल जो स्पेशली इसका है कैल्शियम का एक तो बोन्स एंड टीथ में दूसरा है ब्लड क्लॉटिंग तीसरा जो इम्पोर्टेंट इसका काम है वो है मसल कॉन्ट्रैक्शन इट ऑल्सो मेंटेन्स हार्ट बीट हार्ट बीट को मेंटेन करने का काम है कैल्शियम का इन इट कंट्रोल्स एनाइनिक बैलेंस इन द प्लांट वैक्यूल तो जो एनायस प्रेजेंट रहते हैं एनायंस प्रेजेंट रह सकते हैं जैसे क्लोराइड है तो उनको बैलेंस करने के लिए भी कैल्शियम इंपॉर्टेंट uh, है तो वो एनाइनिक बैलेंस करता है इट ऑल्सो कंट्रोल्स न्यूरो तो अगर कैल्शियम की डेफिशिय होगी तो क्या होगा टिटेनी Uh, हो जाती है एक डिजीज है और अगर एक्सेस में कैल्शियम प्रेजेंट होगा तो कैल्सिफिकेशन होगा जगह जगह कैल्शियम जमा हो जाएगा नेक्स्ट जो मैक्रो uh, एलिमेंट है जो जिसका बायोलॉजिकल रोल है वो है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम जो है वो किसका मेन कंपोनेंट है आप जानते होंगे क्लोरोफिल का क्लोरोफिल में जो सेंटर में जो मेटल आयन प्रेजेंट रहता है प्लांट्स में वो मैग्नीशियम आयन है और ये ह्यूमन uh, जो सिस्टम है उसमें क्या करता है इट मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखता है फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल है बहुत सारे एंजाइम्स में को फैक्टर की तरह एक्ट करता है और कंट्रोल्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म तो जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म उसको कंट्रोल करता है मसल रिलैक्सेशन जैसे कैल्शियम जो है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल है ऐसे ही मैग्नीशियम मस्कुलर रिलैक्सेशन में हेल्पफुल है और बहुत इंपॉर्टेंट जो बायोलॉजिकल रोल है मैग्नीशियम का वो देखिए इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एटीपी का जो हाइड्रोलिसिस है उसके लिए बहुत जरूरी है मैग्नीशियम आयन तो ड्यूरिंग एटीपी हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन एटीपी कन्वर्ट इन एडीपी तो इसकी अगर डेफिशियसी होगी मैग्नेशियम की तो क्या होगा एपिटाइट नोजिया वोमिटिंग एपिटाइट बढ़ेगी मीटिंग होगी फैटीक थकान लगेगी वीकनेस लगेगी एक्सेस अगर होगा तो इरेगुलर हार्ट बीट एंड लिथार्जी जो इससे सिम्टम्स आएंगे मैग्नीशियम के एक्सेस से वो होंगे इरेगुलर हार्ट बीट एंड लिथार्जी आलस्य आएगा तो इसलिए जो है मैग्नीशियम और कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो एलिमेंट्स हैं इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स इससे पहले हमने मैक्रो एलिमेंट्स की इम्पोर्टेंस पढ़ी थी बायोलॉजिकल सिस्टम्स में अब हम पढ़ रहे हैं कि ट्रेस एलिमेंट्स अगर होंगे तो उनकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या होगी इसमें हम देखेंगे एक तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे यानी मेटल्स और दूसरे हम देखेंगे नॉन मेटल्स की इम्पोर्टेंस डी ब्लॉक एलिमेंट में जो पहला एलिमेंट हम देख रहे हैं वो है वेनेडियम वेनेडियम किस तरीके से इम्पोर्टेंट है इट इज एक्टिव साइट ऑफ मेनी एंजाइम्स इन फंजाइन लाइके फंजाई इन लाइकेन में जो है वो बहुत सारे एंजाइम्स की एक्टिव साइट होती है वेनेडियम और ये जो वेनेडियम है इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नाइट्रोजिनेस तो नाइट्रोजेनेज एंजाइम है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल है वहां पर भी वेनेडियम प्रेजेंट रहता है नेक्स्ट जो एलिमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्रोमियम क्रोमियम uh, जो एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट है मेमल्स में जो बायोलॉजिकली uh, इम्पोर्टेंट है वो है इसकी थर्ड फॉर्म थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट फाइव एंड सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे आर कार्सिनोजेनिक एंड म्यूटाजेनिक कैंसर कॉजिंग एंड म्यूटेशन कॉजिंग होते हैं अगर क्रोमियम फिफ्थ और सिक्स uh, की फॉर्म में अगर प्रेजेंट होगा बायोलॉजिकल uh, सिस्टम्स में क्रोमियम फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में डैमेज करता है डीएनए को सो इट डैमेजेज डीएनए इट इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंसुलिन इंसुलिन हार्मोन है जो कि शुगर को बैलेंस करता है तो इसकी फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है क्रोमियम एंड इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर लिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिक सो क्रोमियम इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेस एलिमेंट और ये इस तरीके से हेल्पफुल है अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो डायबिटिक सिम्टम्स होंगे क्यों क्योंकि ये जो है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंसुलिन जिस जो कि शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है इंसुलिन जो है तो इसकी अगर डेफिशिएंसी होगी तो डायबिटिक सिम्टम्स होंगे थर्ड जो डी ब्लॉक एलिमेंट है जो कि ट्रेस एलिमेंट की तरह एक्ट करता है वह मैगनीस मैग्नीज मैग्नीस टू एंड थर्ड की फॉर्म में कैसा रोल प्ले करता है रिडॉक्स रोल प्ले करता है और ये कई सारे एंजाइम्स मिलता है फॉर एग्जाम्पल सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम में मैगनीज होगा इट रेगुलेट्स द मेटाबोलिज्म ऑफ लिपिड्स एंड ग्लूकोज तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनके मेटाबोलिज्म को लिपिड्स एंड ग्लूकोज के मेटाबोलिज्म को रेगुलेट करता है इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक प्रोसेस इन द प्लांट सो मैगनीज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सम एंजाइम्स दट आर टेकिंग प्लेस इन रिडोक्स प्रोसेस एंड इट रेगुलेट लिपिड एंड ग्लूकोड मेटापोलोजी द नेक्स्ट ट्रेस एलिमेंट इज आयरन हिमोग्लोबिन में लगभग सिक्सटी फाइव परसेंट आयरन जो है वो हिमोग्लोबिन में होता है टोटल टोटल का और सिक्स परसेंट लगभग मायोग्लोबिन में होता है और बाकी जो रेस्ट जो बचा हुआ है वो कहाँ स्टोर हो जाता है फेरिटिन में स्टोर हो जाता है Uh, जो आयरन है इट इज इंपॉर्टेंट इन टिश्यू ग्रोथ टिश्यू की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है और जो बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी वो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वो हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन एंड माओग्लोबिन की फॉर्म में सो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल आयरन एंड इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन एन सिंथेसिस इसकी डेफिशिएंसी से क्योंकि ये जो है वो ब्लड सेल्स uh, में मिलेगा आयरन हीमोग्लोबिन में मिलता है इसलिए इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा एनीमिया एंड इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं अगर आयरन की कमी होगी तो तो डिजीजेस होती हैं अगर ये जो जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं माइक्रो एलिमेंट्स हैं अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो भी डिजीज होंगी और अगर एक्सेस में होगा तो भी डिजीजेस होंगी देन कोबाल्ट क्योंकि हमने पहले ही बात करी थी जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं अगर वो सही मात्रा में प्रेजेंट होंगे तो दे आर हेल्पफुल इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स लेकिन अगर उनकी डेफिशियसी होगी या एक्सेस होगी तो वो डिजीज कॉज करते हैं फिर कोबाल्ट है कोबाल्ट को अगर देखें तो इट इज मेन कंपोनेंट ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व कोबालमीन्स का मेन कंपोनेंट है एंजाइम्स जिनमें सी ओ थ्री प्लस की फॉर्म में होता है वो लेबाइल रिएक्शन साइट्स होती है वहां पर आसानी से एंजाइम की इट मीन्स इट इज द एक्टिव साइट ऑफ सम एंजाइम्स वहां पर रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और ये टॉक्सिक होता है प्लांट्स के लिए एनिमल्स के लिए जो है वो विटामिन बी ट्वेल्व की फॉर्म में हम इसको लेते हैं कोबोल्ट को और कुछ एंजाइम्स की एक्टिव रिएक्शन साइट्स जो है वो uh, कोबोल्ट होती है उसमें निकल इज अनदर इम्पोर्टेंट रेस एलिमेंट दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट एंड ये क्या है इट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यूरियज एंजाइम मिथाइल एस को एंजाइम एम रिडक्टेज एंजाइम एंड कार्बन मोनोऑक्साइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम तो निकल जो है वो कुछ एंजाइम्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है इसकी डेफिशियंसी से क्या होता है डर्माटाइटिस स्किन डिजीज एंड रिड्यूज ग्रोथ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सम एंजाइम्स कॉपर कॉपर इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेस एलिमेंट फॉर द बायोलॉजिकल सिस्टम इट इज एक्टिव साइट ऑफ मेनी एंजाइम्स बहुत सारे एंजाइम्स के एक्टिव साइट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट होता है कई सारे देखिए ऐसे मोलिक्यूल्स हैं जैसे साइटोक्रोन सी ऑक्सीडीज एंजाइम्स हैं नाइट्राइटिडक्टिज टाइरोसिनेज तो ये ऐसे एंजाइम है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में हेल्पफुल है और इनमें क्या होगा कॉपर मिलता है हीमोसाइनिन का इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉपर जो कि ऑक्सीजन कैरियर की तरह एक्ट करता है बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वॉटर में रहते हैं उनके ब्लड में हीमोसाइनिन होता है हीमोग्लोबिन नहीं होता और हीमोसाइनिन का जो मेन पार्ट है वो कौन है कॉपर है जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन होता है हीमोसाइनिन में कॉपर होता है तो ये एक ऑक्सीजन कैरियर होता है ये जो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉपर एंड पिगमेंटेशन ऑफ स्किन स्किन की पिगमेंटेशन में और हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में तो क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में इफेक्टिव रोल प्ले करता है इसलिए इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा एनीमिया हो सकता है या लीवर डिसऑर्डर हो सकते हैं एक्सेस से क्या होता है अगर एक्सेस में कॉपर प्रेजेंट होगी तो विल्सन डिजीज होती है एक जेनेटिक डिजीज है कॉपर की एक्सेस से क्या डिजीज होती है विल्सन डिजीज और ये एक लीवर डिसऑर्डर होता है तो ये याद रखना है विल्सन डिजीज किससे होती है एक्सेस में जब कॉपर प्रेजेंट होगी तो कौन सी डिजीज होगी विल्सन डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट अदर ट्रेस एलिमेंट दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट इज जिंक एंड जिंक इज द कम्पोनेट ऑफ वेरियस एंजाइम्स लाइक कार्बोनिक एनाइड्राइज कार्बोक्सीपेप्टिटेज डीएनए पॉलीमरीज तो बहुत इम्पोर्टेंट अभी आपको दिखाऊंगी मैं कि कैसे ये प्रेजेंट रहता है एंजाइम्स में तो so, जिंक जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है कुछ एंजाइम्स का और इट हेल्पस इन टिश्यू रिपेयरिंग एंड विलिंग ये घाव को भरने के लिए और टिश्यू रिपेयरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है जिंक तो इसीलिए इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है स्किन डैमेज स्टंटेड ग्रोथ स्किन डैमेज होता है क्योंकि ये क्या करता है टिश्यू रिपेयरिंग एंड वुंड हीलिंग का काम करेगा तो स्किन डैमेज हो जाएगा अगर जिंक की कमी होगी और अगर जिंक एक्सेस में होगा तो वॉमिटिंग हो सकता है लॉस ऑफ एपिटाइट या डायरिया हो सकता है तो कोई भी ट्रेस एलिमेंट होगा या कोई भी एसेंशियल एलिमेंट होगा उसकी कमी से भी डिजीजेस होंगी अगर वो एक्सेस में प्रेजेंट होगा तो उससे भी कोई ना कोई डिजीज होगी ये देखिए जिंक आपसे कहा मैंने कि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कंपोनेंट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज का और कार्बोनिक एनहाइड्रेज का काम क्या है ये देखिए सीओ टू को किसमें कन्वर्ट कर रहा है एच टू सीओ थ्री में तो ये जो है लुइस एसिड की तरह एक्ट करता है जो सीओ टू है तो ये ये जो कार्बोनिक एनाइड्रेज है ये इम्पोर्टेंट इन रेस्पिरेशन है क्योंकि सी ओ टू जब वहां से इवॉल्व होती है जब रेस्पिरेशन हम करते हैं तो वो एच टू से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है बैलेंस बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करना और इस समय कौन सा एंजाइम एक्ट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो कि रेस्पाइरेशन के दौरान यूजफुल है और इसमें जो मेन कंपोनेंट वो क्या है जिंक है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिक एंड नाइट्रोजन और आप देखेंगे सेंटर में जिंक टू प्लस आयन की फॉर्म में है और यहां पर तीन जो है वो इमिडेजोल नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है जिंक आयन और थ्री हिस्टिडीन इनके साथ जुड़ी हुई है इमेटेजोल के साथ थ्री हिस्टिडीन प्रोटीन जुड़ी हुई है हिस्टिडीन जुड़ी हुई है और फोर्थ जो इसका कोऑर्डिनेशन है इट इज थ्रू द वाटर मॉलिक्यूल और ये कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन में हेल्पफुल है कौन ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है जो कि क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन वो करता है और वो जो इक्विलिब्रियम है वो पीएच डिपेंडेंट होता है दिस इज द ऑक्सीडेशन दिस इज दी हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड सो दिस दीज टू आर इन इक्विलिब्रियम इन प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो सेकेंड एंजाइम है इंपॉर्टेंट जिसका पार्ट होता है जिंक uh, आयन वह है कार्बोक्सी पैप्टिडेज कार्बोक्सी पैप्टिडीज एक ऐसा एंजाइम है जो कि कैटालिटिक हाइड्रोलिसिस करता है पेप्टाइड बोंड का अब ये देखिए अमीनो एसिड है ये एक अमीनो एसिड है दूसरी अमीनो एसिड है तो ये क्या है पेप्टाइड बॉन्ड सी ओ एन एच इज द पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड के बीच का जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड है और ये जो कार्बोक्सी पैप्टिडेज है वो कार्बोनिल टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड पर अटैक करता है तो देखिए यहां पर ये कार्बोनिल टर्मिनल पर अटैक कर रहा है और ये सीओ माइनस अलग हो गया और ये दूसरा पार्ट अलग हो गया एमिनो एसिड अलग हो गया तो कार्बोक्सीपेप्टिडेस इज एन इंपॉर्टेंट एंजाइम कंटेनिंग जिंक आयन इसमें क्या होता है जिंक आयन होता है और ये क्या करता है सेलेक्टिव एंजाइम हाइड्रोलिस करता है का जहां पर टर्मिनल जो अमीनो एसिड है वहां पर अटैक कर रहा है देखिए तो वहां पर पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देगा तो ये इसका मेन फंक्शन है ये कुछ नॉन मेटल्स हैं जिनका रोल बायोलॉजिकल सिस्टम में है और ये कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन मेटल्स हैं इनका रोल भी बायोलॉजिकल सिस्टम में है फॉर एग्जांपल सेलेनियम सेलेनियम एक इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल है जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट है और ये क्या करता है इट प्रिवेंट्स डैमेज ऑफ सेल डैमेज ऑफ सेल प्रिवेंट करता है मतलब ये विटामिन ई e के साथ एंटी की तरह एक्ट करता है दूसरा इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर थायरॉयड ग्लैंड फंक्शनिंग थायरॉयड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेलेनियम। तो इसकी से क्या होता है व्हाइट मसल डिजीज लाइव स्टॉक्स में ये क्या डिजीज क्रिएट करता है वाइट मसल डिजीज जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं हमारे अगर वो ऐसा फूड लें जिसमें कि सेलिनियम की कमी हो तो उनको क्या डिजीज हो जाती है वाइट मसल डिजीज और अगर हायर कंसेंट्रेशन हो तो इन्हीं लाइफ स्टॉक को क्या डिजीज हो सकती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज हो सकती है और ह्यूमन बींग्स में ये जो डेफिशिएंसी होती है सेलेनियम की तो उससे केशान डिजीज होती है जो कि एक हार्ट डिजीज है वो ह्यूमेंस में होती है इट मीन्स सेलेनियम इज एन इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट नो दिस इज पी ब्लॉक एलिमेंट विच इज एसेंशियल फॉर द ह्यूमन बायोलॉजिकल सिस्टम एंड ऑल्सो द एनिमल बायोलॉजिकल सिस्टम देन द सेकेंड वन इज आयोडीन आयोडीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है इट इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ थायरॉइड हार्मोन टी थ्री ट्राई आयोडो माइन एंड टी फोर टेट्रा आयोडो इनके बनाने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कौन आयोडीन ये टी फोर को हम थायरोक्सिन भी कहते हैं और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है जानते हैं आप लोग एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड दैट इज ग थायरोक्सिन को अगर हम देखें देखिए आयोडीन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है टी फोर में इसी तरीके से टी थ्री में भी आयोडीन प्रेजेंट रहती है फिर एक एलिमेंट और है दैट इज क्लोरीन हमने कुछ डिस्कस किए हैं यहाँ पर ये क्या करता है इट मेंटेन्स द वाटर बैलेंस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरा क्या काम है इट कंट्रोल्स द एसिड बेस इक्विलिब्रियम और तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ एचसीएल इन द गैस्ट्रिक जूस तो गैस्ट्रिक जूस में एच की इंपॉर्टेंस है वो जो है वो क्लोरीन उसमें हेल्पफुल है सो दिस इज ऑल अबाउट बायोन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑल अबाउट द रोल ऑफ मेटल आय इन बायोलॉजिकल सिस्टम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम बायोकेमिस्ट्री uh, को अगर हम देखेंगे अगर हम इसको कंक्लूड conclude करें इसको तो हम देखेंगे बायो एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है इट इज रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड इन ऑर्गेनिक मटीरियल्स जो एलिमेंट्स हैं टोटल एलिमेंट्स जो हैं जो उनको हम डिवाइड कर सकते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स में जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो एसेंशियल फंक्शन करते हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं उनमें और उनकी डेफिशिएंसी या एक्सेस से क्या होगी कोई ना कोई डिजीज होगी दैन uh, जो नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो नहीं रिक्वायर्ड होते हैं जो एसेंशियल एलिमेंट्स उनको हम डिवाइड कर सकते हैं बल्क एलिमेंट्स जो कि uh, बहुत बल्क में ज़रूरत होती है और uh, वो शरीर के बहुत सारे इम्पोर्टेंट पार्ट्स को बनाते हैं उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मेन है देन मैक्रो एलिमेंट्स जो uh, अधिक मात्रा में चाहिए 100 एम पर डे से अधिक चाहिए और माइक्रो एलिमेंट्स जो कि 100 एम पर डे से कम चाहिए अगर हम मेटल आयंस में देखें तो सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस दे जनरली मेंटेन्स द द प्रेशर दे मेंटेन्स एसिड बेस देशियम एंड स्पेशली द सोडियम जो है वो नर्व इम्पल्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है पोटेशियम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और पायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स के लिए इंपॉर्टेंट है इन आयंस को ट्रांसपोर्ट करने के मेथड हमने देखे तीन तरीके से दो तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड बिकॉज द ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है जहां पर अगेंस्ट द एक्टिव ग्रेडियंट काम करता है uh, इसलिए वहां पर एनर्जी की जरूरत पड़ती है आयनोफोर्स एंड आयन चैनल्स जो है वो uh, ऐसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं आयंस का और आयन पंप्स जो है वो हमने देखे सोडियम पोटेशियम पंप जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं वहां पर ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है और पूरा प्रोसेस हमने देखा कैसे सोडियम आयंस जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रूड में जाते हैं और जो पोटेशियम आयंस है वो इंट्रा सेलुलर फ्रूड में आते हैं अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फिर हमने uh, पढ़ा कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्पोर्टेंस इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर मेन डिफरेंस देखें तो कैल्शियम मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन में इम्पोर्टेंट है और मैग्नीशियम जो इम्पोर्टेंट है वो है मस्कुलर uh, रिलैक्सेशन में और एक इम्पॉर्टेंट जो मैग्नीशियम का काम है दैट इज इन एटीपी हाइड्रोलिसिस उसके बिना काम नहीं चलेगा और जबकि कैल्शियम का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हार्ट बीट एंड ब्लड क्लॉटिंग देन हमने रोल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े उसमें हमने वेनेडियम क्रोमियम और दैन मैगनीज आयरन आयरन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में बहुत भूमिका उसकी रहती है फिर हमने कोवॉल्ट देखा दैन निकल कॉपर कॉपर अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट Uh, the d block element that is helpful in the formation of hemoglobin so deficiency of copper creates anemia and excess creates wilson disease the zinc is very important trace element uh, which is a part of uh, the important enzyme that are carbonic anhydrase and carboxypeptidase carbonic anhydrase it uh, इट क्रिएट्स एन इक्विलबिलियम बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड ड्यूरिंग रेस्पाइरेशन वाइल दार्बोक्सी पैप्टीडेज इट इट अटैक्स ऑन दैप्टाइट बॉन्ड पैप्टाइड बॉन्ड पर अटैक करता है और फिर हमने कुछ नॉन मेटल्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े जैसे सेलिनियम आयर्डीन एंड क्लोरिन की इंपॉर्टेंस इनमें से जो हमने इंपॉर्टेंट देखा वो है जो आयोडीन uh, है उसकी कमी से घहंगा रोग जी जिसे हम गोइटर कहते हैं वो होता है और ये uh, जो थायराइड हार्मोन uh, है उसके फॉर्मेशन में हेल्पफुल है सो दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ मेटल आयंस एंड सम ऑफ द नॉन मेटल्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम सो थैंक यू वेरी मच